लोगों की मदद के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, राजस्थान की हलचल पर बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। आशंका जताई जा रही थी सुबह से ही कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और 28 या 29 जुलाई को ये विस्तार की गुंजाइश है। न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर है, राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, विधायकों को जयपुर में रहने को कहा गया है। माकन का कांग्रेस विधायकों को ये निर्देश है कि वो जयपुर में ही रहे। न्यूज 18 के भवानी सिंह की एक बड़ी खबर है, राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी को खत्म करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। गहलोत और पायलट गुट के बीच जारी कलह को खत्म करने के लिए जयपुर में कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। इस बैठक में सचिन पायलट भी मौजूद थे। न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर है कि सोनिया गांधी से हरी झंडी मिलने के बाद 28 या 29 जुलाई को गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 28 जुलाई को अजय माकन फिर जयपुर आएंगे और इस दौरान सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। सुबह से हलचल मची हुई थी, जहां पर यह आशंका जताई जा रही थी कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। गहलोत और सचिन पायलट के जो खेमे थे, दो अलग अलग बंटे हुए थे। अब ये जो हलचल मची हुई थी दोनों के बीच, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भवानी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हमारे संवाददाता। भवानी, अब ये हलचल क्या खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, जो पायलट खेमे के जो मंत्री वो चाहते थे वो मंत्री बने, उनको कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी अब मंत्रिमंडल में, क्या लगता है आपको? देखिए, ये सब कुछ अभी संभावना, अभी जो अजय माकन ने ये कहा है कि 28 और 29 तारीख को विधायकों से 1-to-1 बात करेंगे, विधायकों से जयपुर में रहने के लिए कहा गया। इससे कयास ये है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शायद हो सकता हो कि विधायकों को यहाँ रोका जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में दूर दराज से विधायक आते हैं और अचानक बुलाते हैं तो काफ़ी वक्त लगता है, तो इसलिए उस टाइम रोका गया। और अगर सहमति बन गई, अभी वो लिस्ट लेकर दिल्ली जा रहे हैं और सोनिया गांधी से बात करेंगे, उसके बाद में अगर वहाँ से अगर सहमति बन गई जिस लिस्ट पर जो अशोक गहलोत से चर्चा हुई है और सचिन पायलट से भी PCC के अंदर वो आए थे, उनसे भी चर्चा कर ली है, तो लगभग मोटे तौर पर लिस्ट उनके पास में है और सहमति असहमति है, जिन नामों पर असहमति है उस पर भी सब फैसला सोनिया गांधी करेगी। और अगर स्वीकार कर देते हैं अशोक गहलोत और अगर सहमति बन जाती है, तो फिर ये तय माना जाएगा कि 28 या 29 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, इसलिए विधायकों को कहा गया। और उसके बाद में उनसे आगे की चर्चा हो सकती है, जो राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है या जिलाध्यक्षों की नियुक्ति है उससे जुड़े हुए मसले। तो मोटे तौर पर ये मान रहे हैं कि शायद इस महीने के अंत तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाए। बिल्कुल, और इस कलह पर सुलह की कोशिश के बीच अजय माकन ने क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है, सब लोगों ने एक स्वर में कहा, और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई, अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता, सब लोग एक स्वर से और एक मत है इसके अंदर, और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में हम बताएंगे। हम लोग 28 और 29 को मैं 2 दिन के लिए यहाँ पर आकर के सभी विधायकों से मैं मिल रहा हूँ और उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे, बोर्ड कॉर्पोरेशन में अच्छे लोगों के नाम वो बताएं, वरिष्ठ लोगों के, और जिला और ब्लॉक का भी हम उनके साथ में चर्चा करेंगे। देखिए, एक मिनट सुनिए, कोई भी ऐसी चीज को हम तारीख के साथ बांधना नहीं चाहते। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी कोई भी विरोध नहीं है, आपस में विरोधाभास नहीं है, सब निर्णय हो चुका है। और दूसरा, हर जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, सबने आला कमान के ऊपर, केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर विश्वास जताया। धन्यवाद।